बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube फैमिली फ्रेंड ब्रदर सिस्टर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर देख लें कि मैं अलॉटमेंट की नरम नरम पालक लेके आती हूँ और जो उसके पत्ते पत्ते होते हैं उनको उतार के तो उनको ब्रीक ब्रीक काट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है क्योंकि अलॉटमेंट से है और ये अलॉटमेंट की पालक है और अलॉटमेंट के ही आलू हम इसमें डालेंगे। अलॉटमेंट ही से मैंने पत्ता पत्ता तोड़ तोड़ के मुट्ठी मुट्ठी करके ये मेथी लेके आई हूँ वो डालेंगे। वहाँ की जो ओनियन है लीक्स हैं वो डालेंगे। थोड़े से मैंने काट के रख लिए, थोड़े से मैं काटूंगी और ये बहुत ही मजे का सालन बनेगा इंशाल्लाह ताला। कहते हैं ना उम्मीद से दुनिया कायम है, तो ये जो आलू है इसका सालन बहुत करारा बनता है। इसके अलावा जो ओनियन लीक्स हैं और मेथी है इसका सालन भी बहुत ही मजे का बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुट्टियों में तो काम ही नहीं मुकता, ख़त्म होता। तो यहाँ पे हम रिवर के की तरफ ड्राइव कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जो सीनरी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले स्प्रिंग के फ्लावर होते हैं यहाँ पर, फिर जो कौंसिल होती है वो समर के फूल लगा देती है, ये समर फ्लावर्स हैं। और एंड ऑफ अगस्त में ये समर फ्लावर ख़त्म करके सितंबर में ये लगा देंगे नए फूल, स्प्रिंग के फूल लगाएंगे जो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं जी बटरफ्लाई ब्रिज। ये आपके सामने जो वाइट रंग की नज़र आ रही है बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह, ये उसके विंग्स हैं, तो ये बटरफ्लाई ब्रिज कहलाती है। बहुत फेमस है दुनिया में, यहाँ पे आके लोग टूरिस्ट जो हैं वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह बनाते हैं। और ये बोटिंग क्लब्स है जहाँ पे लोग बोट्स करना और सीखना पसंद करते हैं। ये रिवर है जहाँ पे मैचेस वगैरह लगाए जाते हैं, कश्तियों के मुकाबले होते हैं बोट्स के, तो इसी को रिवर फेस्टिवल कहते हैं। ये देखिए समर में उन्होंने पर्पल कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर के फ्लावर्स लगाए हैं जो सख्त गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। समर ब्रिटिश समर फ्लावर्स। जल्दी जल्दी से जो हमारी गाड़ी चल रही है इसलिए आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुछ भी नज़र आ रहा है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल देसी बीबी यूके पसंद आता होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। अपनी फैमिली के साथ चाहे तो शेयर भी कर लें। एंड हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट लिखते हैं, शेयर भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं बहुत हैरान हुई कि किस दुनिया भर से लोग हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं। तो मैंने कभी उन मुल्कों का नाम भी नहीं सुना यहाँ जहाँ से लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने रिज़्क दिया है, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब को दे। ये मोंट कासल है जो आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम जा रहे जी लिडल। लिडल में थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, ग्रॉसरीज तो ख़त्म होती नहीं है। छुट्टियां हो, बच्चे घर पे होते हैं, आप भी घर में होते हैं, एक चीज़ खा ली, दूसरी बना ली, तीसरी बना ली, इस तरह एक के बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर बनती ही रहती है। तो यहाँ पे हम ये भी देखते होते हैं कि हर जुमेरात को या मंडे को जो नई चीज़ ऑफ़र लगाते हैं, कौन सी चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई है और कितनी अच्छी ऑफ़र है, हम वो ख़रीद लेते हैं। ये मैं बीज की तरफ देख रही थी कि अगर ये बीज जो सस्ता इन्होंने कर लिया है तो मैं ज़्यादा पैकेट ले लूँ। अभी भी फुल प्राइस पे लगाए हुए हैं। फूल मुझको बहुत पसंद आए हैं, बहुत फ्रेश आए हैं, अभी अभी आए हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते लास्ट करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के फूल होते हैं, तो जो चीज़ मुझे पसंद होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने स्नैक लेना था थोड़ा सा, तो जो बेकरी से वो लिया है। यहाँ पे ताज़ा फूड और फ्रूट ला के रखा हुआ है, अभी जे निकाल के बाहर बॉक्सेस रखे हैं। जैसे जैसे बॉक्सेस जो ख़त्म होते जाएंगे तो वो बॉक्सेस निकालते जाएंगे, इसलिए आपको नज़र आ रहा है काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। अभी अभी जी नई डिलीवरी आई है, बनाना भी बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है, ताज़ा ताज़ा रखा हुआ है। ये दुकान खोलने से पहले पहले सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल कस्टमर के लिए सेट कर देते हैं, डिस्प्ले पे लगा देते हैं। जैसे ही कस्टमर आते हैं फिर जो है बंदे की मत बज जाती है, फिर नहीं हिम्मत होती। या लोग ट्रॉलियों के साथ अपनी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, या कस्टमर इतने होते हैं और कस्टमर जो है ना आंधी तूफान की तरह होते हैं। कभी कभी तो बिल्कुल क्वाइट होता है, कभी बिल्कुल भरमार होती है। और ये जी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, काफ़ी एक्सपेंसिव लगी है, 225 की तकरीबन आधा किलो स्ट्रॉबेरी है और इतनी मीठी भी नहीं है।
तो बच्चे जो हैं वो अपना फ्रूट वगैरह अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। तो मैं आगे आगे चल पढ़ती हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को फैमिली को इसमें ना वीडियो में लाऊं, क्योंकि जिसकी तरफ से इजाज़त नहीं होती वो नहीं लाते हम, तो शौक के हाथ में मजबूर हैं। वैसे तो कोई हमारे इतना नहीं है, यहाँ पे बेकरी है। पहले मैं बेकरी से गुजर गई थी और बच्चों ने रौला ही डाल दिया कि जी हमने तो ये लेनी है, लेनी ही लेनी है, तो इग्नोर करते हुए फिर मैंने कहा कि चलो जान नहीं जुड़ती तो चलो ले ही लेते हैं। तो एक एक चीज़ भी ये कहाँ पे काफ़ी महंगी होती है, लेकिन जो चीज़ आप लेके देते हैं वो बच्चे पसंद नहीं करते, जो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं वो उनको बहुत पसंद होती है। तो इसलिए बेहतर है कि जो बच्चे पसंद करते हैं और उनके लिए ठीक है वो चीज़ ले लें। यहाँ पे सुबह सवेरे आने का मतलब ये होता है कि एक बहुत ज़्यादा बिजी टाइम से आप बच जाते हैं, रश से बच जाते हैं, डिसप्लिन का बहुत अच्छा होता है, साफ़ सुथरी चीज़ होती है, वाफर मकदार में सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे दस्तयाब होती हैं। थोड़ा सा जहाँ पे जिंजर भी चाहिए था वो मैं हाथ में टोकरी नहीं ना उठाई, एक हाथ में मोबाइल है दूसरे हाथ में बच्चे हैं, तो फिर वो जो चीज़ें उठा के वो बगल में रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह हम जो हैं इस तरह ग्रॉसरी शॉप करते हैं। अब देखें हमारा जो चीकी बॉय है वो चीज़ को क्रंच कर रहा है नॉइज़ बनाने के लिए, ताकि जो बाजी है वो अपनी रिकॉर्डिंग ना कर पाए। चीकी होते हैं, हम भी जब छोटे थे बहुत चीकी थे और मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि आप बहुत चीकी थी, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा मम वॉज आई चीकी, शी सेड अलॉट। तो मैंने सोचा मैं तो बहुत शरीफ ज़ादी हूँ, बहुत भले माज हूँ, लेकिन मेरी अम्मी को पता है कि मैं कितनी चीकी थी। तो एनीवे चीकीनेस होना बच्चों के सेहत का ख्याल अच्छा होता है, खुश रहना चाहिए बच्चों को, हंसते खेलते रहना चाहिए, थोड़ा सा चीकी शरारती ना हो तो फिर वो बच्चे ही नहीं होते, इंटेलिजेंट ही नहीं होते, जो डल हो के बस सोफ़े पे मुंह उठा के बैठ जाएं और हिलें जुलें ना। तो बहरहाल जब बच्चों का बचपन होता है तो बचपन को जो है वो बचपन ही की तरह जीना चाहिए, बच्चों को ब्रिलियंट बचपन देना चाहिए, अच्छी खुराक देनी चाहिए, उनको डबल क्रीम दें, उनको मिल्क दें, उनको योगर्ट दें, उनको चीज़ दें, उनको अंडे खिलाएं, उनको रियल मीट खिलाएं, ताकि उनकी जिस्म में ताकत आए, उनकी बॉडी बन रही होती है। तो आप उनको जंक फूड ना खिलाएं, जब हर टाइम बच्चे चिप्स खाते हैं पिज़्ज़े खाते हैं ना मुझे जहर लगते हैं, इसलिए ये जी आर्टिफिशियल का डिस्प्ले है उस पर पब के ऊपर, तो मैं तो Dheet.com हूँ, मैं तो लगाती रहती हूँ, यहाँ पे भी मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती है मैं उसका क्लिप बना लेती हूँ और आप बहन भाइयों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अभी मैं ये गाड़ी तेज़ चल रही है तो मैं रिकॉर्डिंग पे लगी हुई थी और देखें कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ब्लेरी सी हो जाती हैं और ऊपर से उस तरफ से सूरज है, तो लेकिन क्या करें, तो कभी कभी ये इस लालच में पड़ जाते हैं कि चलो जी हम अपनी वीडियो को पूरा करते हैं। तो अब मैं हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मैं इसको डिलीट ही कर दूं। तो बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। यहाँ पे इस औरतों ने बहुत दिल जान से बहुत सारी बास्केट्स में फूल लगाए हैं और रोज़ इनको पानी देती है, रोज़ उनके डेड हेड करती है, इसलिए उसका डिस्प्ले जो है घर का बहुत सामने है। ये चर्च के सामने येलो रंग के फूल थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वो थोड़ा सा क्लिप बना लिया आपको दिखाने के लिए। ये बटरफ्लाई और बीज के लिए भी फ्रेंडली हैं, अच्छे लगते हैं, तो अच्छी चीज़ हो और उस पर बटरफ्लाई और बीज ना जाए या देसी बीबी यू के ना जाए। ये हमारे बच्चे मुझे लूज़र कह रहे हैं और हाँ थम को नीचे को कर रहे हैं, इट्स ओके, बच्चों की अपनी ओपिनियन है, तो हम जैसे भी हैं वैसे ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमारे एप्पल जूस है, कल एप्पल जूस पिया था सभी ने, जिसने पिया था वो पी लिया, अब बाकी जो है ग्लास में डाल के रखा हुआ है और जो सेटल हो गया है। इसका रंग देखें कितना ज़बरदस्त है और ये रंग बिल्कुल ओरिजिनल है, ना इसमें आर्टिफिशियल कोई कलर है ना कोई फ्लेवर है। और यहाँ पर हम जी जो हमने शुरू में दिखाया है पालक बाथू मेथी क्या कहते हैं ओनियन लीक्स गार्लिक लीक्स फ्रेश पोटैटोज, ये सारे अलॉटमेंट का खजाना इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकी सारा कुछ हमने पका लिया था, अब दोबारा फिर इसको बनाई की जाएगी और इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार सालन तैयार हो जाएगा। और ये जो फूल होते हैं जब भी नया फूल खिलता है तो मैं उसका क्लोज लुक बना लेती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको अच्छे ड्रेसअप करके उनके फ़ोटो बना बना के रख लेती थी और हबी साहब को कहती थी ये प्लीज़ मुझे दिलवा दो। और इस तरह मैंने हर बच्चे का एल्बम बना के रखा हुआ है, यादगार सा है। और जब बच्चे कोई बड़े हो गए हैं, किसी की शादी हो गई है, किसी की शादी होनी है, किसी अभी कोई छोटे हैं, तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, मोर देन दर्जन अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं और अल्लाह ताला ये खुशियाँ सबको, तो अल्लाह सबको खुश रखे, शाद और आबाद रखे। अल्लाह ताला
ताला अपने माँ बाप की आंखें अपने बच्चों से ठंडी करे, अल्लाह ताला सबकी औलादों को नेक और फरमाबदार बनाए, अल्लाह ताला माँ बाप को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे और औलाद को अपने माँ बाप के खिदमतगार और फरमाबदार बनाए और सदका जारिया बनाए। तो ये यहाँ पे वो सारा फूड जो है फ्रूट है वो डिस्प्ले पे मैंने रखा हुआ है जो हम अलॉटमेंट से ख़जाना लेके आए थे, कुछ पका लेते हैं कुछ बात के लिए रख लेते हैं और यहाँ पे कभी कभी मैं ना फ़ोटो बना लेती होती हूँ अगर टाइम छोट हो तो। ये फ़ोटो है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।